नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मृतक को भी लग गई कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज, मौत के 2 माह बाद जारी हुआ सर्टिफिकेट, जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश के स्कूलों को मिले हिंदी के 47 प्रवक्ता, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, 45 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। 2.5 लाख कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को नए वेतनमान का ऐलान, JCC की बैठक में प्रदेश सरकार ने लगाई घोषणाओं की झड़ी, अब 2 साल में रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मचारी। JCC की बैठक में CM जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को बताया सरकार की रीढ़, कहा विकास के पथ पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। BEd को रियायत देने पर उखड़े JBT प्रशिक्षु, कक्षाओं का बहिष्कार कर जताया रोष। प्रतियोगिता में भाग न लेने देने की सूरत में आत्महत्या की दे डाली धमकी, ऊना में राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर खो खो स्पर्धा में UP के खिलाड़ियों का हंगामा। ब्लास्टिंग के धमाकों से जमीन में आई दरारें, मकानों की भी नींव हिली। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण में लगी कंपनी के खिलाफ मंझेड़ के लोगों का फूटा गुस्सा, SDM से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। जिला ऊना में बिना वैक्सीनेशन के कई लोगों को डबल डोज के सर्टिफिकेट जारी करने वालों में मृतकों के नाम भी शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला उपमंडल अम्बे देखने को मिला है, जहां पर एक मृतक महिला को डबल डोज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि महिला की मौत करीब 2 माह पहले हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कार्य प्रणाली से हर कोई हैरान है। उधर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा का कहना है कि विभाग मामले की जाँच कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी के चलते ऐसा हो रहा होगा, विभाग अपने स्तर पर मामले की जाँच कर रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हिंदी विषय के 47 प्रवक्ता मिले हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट निकालने के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शनिवार को विभाग की ओर से हिंदी के लेक्चरर की पोस्टिंग कर दी गई। वहीं सभी को आदेश दिए गए हैं कि वे 45 दिन के अंदर दिए गए स्टेशन में ज्वाइन करें। अगर कोई शिक्षक तय समय पर ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसे में उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को सरकार ने नया वेतनमान देने का ऐलान कर दिया है। इन वर्गों को नए वेतनमान का लाभ जनवरी महीने से मिलेगा और फरवरी महीने में उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारी वर्गों के लिए कई और भी बड़े ऐलान किए हैं। अनुबंध के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। ये घोषणाएं पीटरहॉफ में शनिवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ हुई JCC की बैठक में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने JCC की बैठक में कर्मचारियों को संदेश दिया कि वह सरकार की रीढ़ हैं, जिनका सहयोग लेकर सरकार चल रही है और आगे भी विकास के पथ पर कर्मचारियों को साथ लेकर बढ़ेगी। करीब 6 साल के बाद हिमाचल में कर्मचारियों के साथ JCC की बैठक हुई है, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। CM ने कहा कि इस बैठक को करवाने में विलम्ब हुआ और कोविड की वजह से ये देरी हुई। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रखने की कोशिश रहेगी। बजट में भी अभी कुछ ऐलान करने हैं, क्योंकि सरकार का 5वां साल है और उसके लिए भी अभी कुछ रहने दें। उन्होंने संदेश दिया कि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कर्मचारी मदद करें, इसमें कर्मचारियों की भूमिका अहम है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा JBT भर्ती मामले में BEd डिग्री धारकों के हित में दिए फैसले पर रोष जताते हुए मंडी JBT प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। JBT बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर और JBT द्वितीय वर्ष की छात्रा लक्षिता शर्मा का कहना है कि अन्य प्रदेशों में JBT को वरीयता दी गई है, वहीं हिमाचल में JBT विरोधी फैसला किसी सूरत में JBT प्रशिक्षुओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक JBT प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। जिला मुख्यालय ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शनिवार को शुरू हुई राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब उत्तर प्रदेश से एक और टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में खो खो खेल के महासंघ के बीच पंजीकरण को लेकर 2 गुटों में उपजे विवाद के चलते एक ही राज्य से 2 टीमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच गईं। वहीं प्रतियोगिता में भाग न लेने देने की सूरत में नन्हे खिलाड़ियों ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे डाली। एक तरफ जहां पहले पहुंची टीम प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के दौरान मैदान में खड़ी थी, वहीं बाद में पहुंची टीम मैदान के बाहर खुद के असली होने का दावा कर रही थी। बाद में पहुंची टीम की कोच ने खोखो महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ खोखो महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव MS त्यागी का दावा है कि अखिल भारतीय महासंघ द्वारा चयनित खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है और वह टीम इस प्रतियोगिता में अपने सभी मैच खेलेगी। उन्होंने कहा कि जो टीम बाहर की गई है वह फेडरेशन में मान्यता प्राप्त नहीं है।
कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण में लगी गवार कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के लिए अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही ब्लास्टिंग का ग्राम पंचायत मंझेड़ के लोगों ने कड़ा संज्ञान लिया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रशासन व प्रदेश सरकार को आगाह करते हुए SDM स्वारगढ़ से शिकायत की है। पंचायत समिति सदस्य रंगी राम ठाकुर, ग्राम पंचायत मंझेड़ के प्रधान सोहन लाल तथा उप प्रधान रामपाल ठाकुर ने बताया कि ब्लास्टिंग के धमाकों से लोगों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जो कि आने वाले समय में कभी भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों की निजी भूमि में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जो आगामी बरसात में बड़े भूस्खलन का कारण बन सकती हैं। प्रतिनिधियों की शिकायत पर SDM स्वारगाट व तहसीलदार स्वारगाट ने मौके पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा मकानों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार स्वारगाट विपिन शर्मा ने बताया कि ब्लास्टिंग के कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। साथ ही गवार कंपनी को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं।